तो अभी कुछ देर पहले ही वीडियो आया है डिवाइन और करण औजला के गाने का 100 मिलियन। बोले एक होगा दो और दो होगा चार। अगर वीडियो की बात करें तो वीडियो एक्चुअली काफी सुंदर है। कल भी हमें एक बहुत सुंदर वीडियो देखने को मिली है जो कि है कृष्णा का जूता जापानी, और आज भी इनकी वीडियो काफी अच्छी है। बहुत सारे CGI इफेक्ट्स हैं जिससे कि वीडियो काफी हद तक एंगेजिंग लगती है देखने में। लेकिन अगर गाने पे आए, कॉमन कंसेंसस यही है कि डिवाइन का वर्स बहुत ही अंडरवेलमिंग है। कुछ लोग ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, बीट में काइंड ऑफ सेम पैटर्न रिपीट हो रहा है एंड फ्लो बहुत ज्यादा लेड बैक है, कुछ ज्यादा उसमें राइम स्कीम्स एंड ऑल नहीं आ रहे हैं, इसलिए लग सकता है। लेकिन ऐसा मुझे नहीं लगता कि केस है, क्योंकि बीट जो है वो काफी ओल्ड स्कूल टाइप का है एंड ऑल्सो डिवाइन के वर्स में जो फ्लोज है वो भी बहुत ज्यादा ओल्ड स्कूल टाइप के फ्लोज हैं, जो कि एक्चुअली अच्छे लगते हैं अगर उन्हें सही से पिरोया जाए तो। इनफैक्ट क्लासिकल हिप हॉप में ऐसे ही टाइप के वर्सेस होते थे। द प्रॉब्लम इज कि वो क्यों इतना अंडरवेलमिंग साउंड करता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइन का वर्स जब स्टार्ट होता है वो काइंड ऑफ ठीक ठाक जगह पर स्टार्ट होता है, बट उसके बाद उसकी ग्राफ काफ़ी नीचे जाने लगती है। ओनली बिकॉज कि एक तो उसके लिरिक्स में आपको कुछ नया सुनने को नहीं मिलता है। म्यूजिक पहला रखते हम सेना होता एक्टिंग, हम पैसा उड़ाते फिर अब बोलते फैशन, हम पैसा कमा रहे हैं, हम तुमसे ऊपर है, ये सब हमने इतनी बार सुना है कि हमारे ब्रेन को अब ये और कोई डोपामिन रश नहीं देता है। अगर उसको कम से कम अलग तरीके से कहा जाए, अलग तरीके से बार्स में पिरोया जाए, कुछ डबल ऑन टू अंड्रेस डाले जाए तो वो अलग बात होती है। लेकिन इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि डिवाइन सेम चीजें जो बार बार बोली गई है इवन सेम तरीके से उसी तरीके से बोल रहा है। ये पहला फैक्टर हो जाता है उसको अंडरवेलमिंग लगने में। दूसरा ये भी होता है कि डिवाइन की इमेज जो दिमाग में है, रिसेंटली डिवाइन काइंड ऑफ सिमिलर टाइप के वर्सेस ही ड्रॉप कर रहा है, जबकि हमने इन द पास्ट डिवाइन को बहुत अलग टाइप के वर्सेस ड्रॉप करते हुए देखे हैं, चाहे स्टोरी टेलिंग वर्सेस हो, सोशल कमेंट्री हो, या फिर थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट पोएट्री हो। इस वर्स में इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि डिवाइन सेम चीजें रिपीट कर रहा है। एंड ऑब्वियसली जो सबसे बड़ी नेल इन द कॉफिन है वो आती है वर्स के एंड में, जब डिवाइन कंप्लीटली फ्लो छोड़ देते हैं, बीट अपनी तरह चलती रहती है एंड ही जस्ट कीप्स काउंटिंग एक को का, दो को का, सौ को का। वहाँ पर गाने की फ्लो ही वो छोड़ देते हैं, वो ना तो वहाँ पर राइमिंग की कोशिश करते हैं, ना तो कुछ पोएट्री की कोशिश करते हैं, नथिंग, ही जस्ट काउंट्स नंबर्स, जो कि फ्लेक्स करने के लिए तो ठीक है लेकिन आर्टिस्टिकली ऑडियंस को कुछ भी प्रोवाइड नहीं करती, लिटरली कुछ भी नहीं। डिवाइन का वर्स बीच में जो थोड़ा सा डाउन गया, जो रिपीटेड लाइंस आए, वो भी काइंड ऑफ ऑडियंस एक्सेप्ट शायद कर लेती अगर एंडिंग की तरफ डिवाइन उसको वापस से अपलिफ्ट कर सकते। एंड ऑब्वियसली द फैक्ट दैट ये कोलैब इतना हाइप था डज नॉट हेल्प द क्वालिटी ऑफ द सॉन्ग, क्योंकि हाइप जब रहती है हम कुछ ना कुछ बढ़िया एक्सपेक्ट करते हैं एंड उसके बाद एक्सपेक्टेशंस पे वो खरा नहीं उतर पाता है। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स। नाउ विद दैट, रिसेंटली मेरा भी गाना आया है हैप्पी न्यू ईयर, जिसमें हमने अच्छे से टीच के स्कैमर्स को हैप्पी न्यू ईयर कहा है। सो डू गो चेक इट आउट, डू सपोर्ट एन अंडरग्राउंड आर्टिस्ट इफ पॉसिबल।